हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लो राइज फ्लोर। और ये लो राइज फ्लोर आ जाते हैं आपके सेक्टर 2 ग्वालपेड़ी गुड़गावा के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन सिटी वत्सल वैली प्रोजेक्ट की, जो कि है बाय सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और ये प्रोजेक्ट हमारा बैंग ऑन आ जाता है गुड़गावा फरीदाबाद रोड के ऊपर, जो मेन रोड है। और मैं आपको जो इसकी कनेक्टिविटी दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा गोल्फ कोर्स रोड के लास्ट रैपिड मेट्रो स्टेशन सेक्टर 55-56 से, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड और इस प्रोजेक्ट का डिस्टेंस 5 से 6 मिनट का डिस्टेंस है, और वहीं से मैं आपको कनेक्टिविटी दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं। देखिए, जो मैं अपनी कनेक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सेक्टर 55-56 के रैपिड मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि गोल्फ कोर्स रोड का लास्ट मेट्रो स्टेशन है। सो यहीं से हम अपनी लोकेशन पे जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो ये आ जाता है हमारा एंट्री गेट। तो देखिए, ये सामने हमारा प्रोजेक्ट है। ये सामने कमर्शियल है, जहाँ पे नीचे रिटेल है, ऊपर रेस्टोरेंट फूड कोर्ट है। ये सामने पारस क्वार्ट है प्रोजेक्ट है, और ये सीधा 5 मिनट के डिस्टेंस पे गोल्फ कोर्स रोड आ जाता है, जिस तरफ से हम आए थे। और DLF गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड भी आ जाता है। ये सीधा हमारा चला जाता है फरीदाबाद, फरीदाबाद रोड है ये, गुड़गांव फरीदाबाद रोड। और मैरोली भी इस तरफ से आप जा सकते हो। तो आप देखो कितना ये रोड है, और ये सामने जो है प्रोजेक्ट की एंट्री है। सो ये थी इसकी कनेक्टिविटी। सो अगर आपने कनेक्टिविटी देखी होगी, तो गोल्फ कोर्स रोड से 5 से 6 मिनट का डिस्टेंस है। ये अगर आप साउथ दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाते हो, तो 3 से 5 मिनट का वहाँ पे डिफरेंस है। फरीदाबाद जाते हो 15 मिनट आपका डिस्टेंस है। DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड अगेन 5 मिनट्स है। और मेन तो आपका प्रीमियम जो गोल्फ कोर्स रोड से आपको डिस्टेंस देखा, ये मैंने आपको दिखाया है। और जो हमारा नियरेस्ट रैपिड मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से भी आपका 5 मिनट का डिस्टेंस है। सो ओवरऑल कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और गुड़गावा फरीदाबाद मेन रोड के ऊपर एक तरह से प्रोजेक्ट आ जाता है। और कहीं ना कहीं फ्यूचर में मेट्रो भी प्रपोज है, आई थिंक इसकी आपने न्यूज़ सुनी होगी। जी हाँ, प्रपोज है। और ये जो रोड है गुड़गावा फरीदाबाद का, इसको भी वाइड होना, तो दोनों चीज़ें आपकी प्रपोज है। सो अब हम बात करते हैं बिल्डर की। बिल्डर इसमें आ जाता है सन सिटी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, और 25 ईयर में 25 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। अगर मैं बात करूँ कितनी सिटीज़ में उनका ऑपरेशन है, तो अराउंड 11 सिटीज़ के अंदर इनके प्रोजेक्ट हैं। जैसे आपका पंचकुला, कैथल, रोहतक, रेवाड़ी, गुड़गांव, डेली, सोलन, वृंदावन, और एक जयपुर। तो 11 सिटीज़ के अंदर इनके प्रोजेक्ट हैं। पर्टिकुलर गुड़गांव की बात करूँ, तो गुड़गांव में अराउंड 10 प्रोजेक्ट हैं इनके। रेजिडेंशियल की बात करूँ तो 6 प्रोजेक्ट है। लाल लगून आपने प्रोजेक्ट सुना होगा, सन सिटी हो गया, एवेन्यू 76, 102, प्लेटिनम टावर, अराउंड 6 इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। प्रीमियम प्रोजेक्ट है और अफोर्डेबल भी है इसके अंदर। और अगर मैं कमर्शियल्स की बात करूँ, सो कमर्शियल में इनका जो है टाइम टावर है, सक्सेस टावर है, बिजनेस टावर है, 4 इनके जो कमर्शियल है। और इवन ये हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी है, सन सिटी नाम से इनका स्कूल भी है। सो ओवरऑल बिल्डर का पास रिकॉर्ड अच्छा है, कोई प्रोजेक्ट स्टक नहीं है इसका। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी बिल्डर, नॉट टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो आपका रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है, 9.5 एकड़ की साइट है, और 156 प्लॉट के ऊपर 626 ये यूनिट लेके आ रहे हैं आपका। और जो आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये है कि लो राइज इनकी जो है डेवलपमेंट रहेगी, और स्टिल्ट पे आपकी पार्किंग रहेगी, और अराउंड 16 प्लॉट पे ये जो है बेसमेंट भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम इसके साइजेस की। तो 3 साइजेस हैं, 2 BHK 1030 स्क्वायर फीट,
टू बी एच के 1130 स्क्वायर फीट और सबसे बड़ा साइज जो है 3 BHK 1430 स्क्वायर फीट साइज है। मैंने सामने फ्लैश भी कर दिए हैं और अगर आप देखोगे तो इसमें आपको स्ट्रीट पे आपकी डेडिकेटेड पार्किंग है, 16 फ्लोर में आपको बेसमेंट दे रहे हैं, बाकी 4th फ्लोर के साथ आपका जो टेरेस के एक्सेस रहेगा। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। सो इसमें आपको फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट दे रहे हैं, आपको सिर्फ अपनी वाइट वुड लेके आनी है एंड दैट्स इट। इसमें आपको मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं, एसीज दे रहे हैं, वार्डरोब भी दे रहे हैं। सो पूरा आपको वो इवन दो बेडरूम में आपको जो है लेमिनेट वुडेड फ्लोरिंग भी आपको दे रहे हैं, एक तरह से फुली लोडेड आपका अपार्टमेंट है। और अब मैं आपको इसका जो है सैंपल साइज दिखाता हूँ। सैंपल क्या है, ये एक्चुअल अपार्टमेंट या मान फ्लोर मान के चलो, इसमें जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी आपको मिलेंगी। इवन अगर आप वॉशरूम की भी बात करते हो तो आपको फुली लोडेड वॉशरूम आपको जो है मिलने वाला है। सो ये मैं आपको साइज़ दिखाऊंगा 1130 का, जो कि 2 BHK है। इससे एक बड़ा साइज़ भी है 1430 स्क्वायर फीट, इससे एक छोटा साइज़ भी है 1030 स्क्वायर फीट। सो आइए मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ 1130 का और साइड व्यू भी करवाता हूँ और फिर उसके बाद हम पेमेंट प्लान और अदर उस पर डिस्कस करेंगे। सो ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ 1130 स्क्वायर फीट का, जो मिडल का है आपका। तो ये आपका लिफ्ट थी दो आपकी और ये जो हम एंट्री कर रहे हैं अब इस फ्लोर के अंदर, ये आपका किचन आ जाता है। एज इट इज़ आपको ये फ्लोर मिलेगा जैसे आपको दिख रहा है। ये आपकी किचन है, ओपन किचन है आपकी। ये आपका ड्राइंग डाइनिंग स्पेस है साथ में, फॉल सीलिंग भी आपको मिलेगी और वहाँ पे आपकी बालकनी है जो उस तरफ हमने देखी थी। ये आपकी बालकनी है, इस तरफ से हमने एंट्री की थी लेफ्ट साइड से। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है इसमें, फॉल सीलिंग मिलेगी आपको और ये आपको वार्डरोब भी मिलेगी यहाँ पे। ये आपका अटैच वॉशरूम है, एज इट इज आपको वॉशरूम मिलने वाला है। ये आपकी बालकनी है जो आपके दोनों बेडरूम के साथ आपकी अटैच बालकनी है। हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आपका 1130 स्क्वायर फीट का एक्चुअल अपार्टमेंट है और इनके तीनों रेडी हैं, 1030 1430 स्क्वायर फीट तीनों के एक्चुअल अपार्टमेंट रेडी हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन है ये। ये आपका अटैच वॉशरूम साथ में है, ये आपकी वार्डरोब होगी साथ में, वॉशरूम एज इट इज आपको मिलने वाला है। तो ये था आपका 1130 साइज का एक्चुअल। अब बात करते हैं आसपास हैबिटेशन की। अगर आसपास हैबिटेशन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल साथ में इसका लग्जरी प्रोजेक्ट है पारस बिल्टेक का, पारस क्वार्टाइट, जो कि मैंने आपको साइट विजिट के टाइप पे भी दिखाया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पारस ट्रेड सेंटर भी है जहाँ पे आपको कमर्शियल जो भी आपका यूज़ के लिए वो आपको मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बाहर भी जो है बिल्कुल एंट्री में आप देखोगे कि 6 फ्लोर जो है अपना एक कमर्शियल बना रहे हैं जिसमें आपका बैंक्वेट हॉल भी है। इसके अलावा नीचे आपकी जो है कमर्शियल रिटेल शॉप्स रहेंगी और एमिनिटीज़ तो इसके अंदर आपको मिली रही है।
अब हम यहाँ से अगर डीएलएफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और जाते हैं तो 5 मिनट का डिस्टेंस है, उसमें आपको जितने भी गुड़गांव के रेपुटेड स्कूल हो गए, हॉस्पिटल भी आसपास सोसाइटी के अंदर, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं हम इसके पेमेंट प्लान के बारे में। जो पेमेंट प्लान एक तरह से इसका जो अगर मैं समराइज वे में बोलूं तो इनका पेमेंट प्लान 35-65 है, ऑल्दो आपको बुकिंग पे 10% देना है, फिर 60 डे में 25%, ओसी जब आएगी तो 55% और 10% पोजेशन पे। ओसी पोजेशन में 1 to 2 मंथ का डिफरेंस होता है, तो एक तरह से आपका 65% पोजेशन पे है और 35% आपको 60 डेज के अंदर देना है। तो ये पेमेंट प्लान है। बाकी अगर मैं पोजेशन की बात करूँ तो ये नवंबर या मैक्स टू मैक्स दिसंबर 23 तक आपको पोजेशन दे देंगे। तो एक तरह से रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, सुपर स्ट्रक्चर रेडी है, कुछ प्लॉट पे तो डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो चुकी है और कुछ पे इनका फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो विद इन 3 to 4 मंथ मैक्स टू मैक्स 5 मंथ में यू विल गेट द पोजेशन, रेडी टू मूव एक तरह से आपकी चीज़ है और उस हिसाब से फिर आपका पेमेंट प्लान भी है। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बताया 3 साइज हैं, 2 BHK 1030 उसकी प्राइसिंग जो स्टार्ट होती है 1 CR से स्टार्ट होती है 1.15 CR, जो 2 BHK आपका 1130 है वो 1.15 से 1.38 CR, और जो सबसे बड़ा साइज है 1430 square feet का उसका आपका स्टार्ट होता है 1.40 से 1.87 CR। प्राइसिंग मैंने फ्लैश कर दी है, आप देख सकते हो। तो ये ओवरऑल था प्राइसिंग के बारे में। मेरे हिसाब से डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड पे, या अगर आप डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड भी छोड़ दें, एक्सटेंशन पे भी अगर हम देखते हैं तो आज की डेट में न्यू जो लॉन्चेज है 17-18 हज़ार रुपये है, 16 हज़ार रुपये रेट है जो रेट चल रहा है वहाँ पे। और ये अगर आप 5 मिनट के डिस्टेंस पे देखो तो ये अगर मैं बात करूँ तो 9700 रुपये स्क्वेयर फीट में हमको चीज़ मिल रही है यहाँ पे, और अगर आप टेरेस के साथ जाते हैं तो 10700 रुपये पर स्क्वेयर फीट में हमको चीज़ मिल रही है। सो मेरे हिसाब से अगर आप लो राइज अच्छे फ्लोर देख रहे हो गोल्फ कोर्स रोड के पास, तो मेरे हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बिल्डर भी ठीक है, लोकेशन भी अच्छी है, और एक तरह से रेडी टू मूव चीज़ है, सुपर स्ट्रक्चर रेडी है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, एंड विद इन 4 मंथ यू विल गेट द पोजीशन। बाकी आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और कोई डिटेल चाहिए तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय।